सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग के साथ एक और नई वीडियो और फ्रेश ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे वहीं व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत से पहले हम चलो चारों ओर का व्यूज दिखाते हैं हमेशा की तरह, देन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो व्यूज। तो दोस्तों, आज का व्यूज कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं पिंक पिंक कलर के फूल खिल चुके हैं। ये आड़ू का पेड़ है और काफी अच्छा लग रहा है, और ये घर पर धूप खिल चुकी है हल्का हल्का। अभी जहाँ पे मैं स्टैंड हूँ वहाँ पे भी थोड़ा सा धूप खिला हुआ है, और थोड़ा सा ये पूरा खेतों का व्यूज़। और तो दोस्तों, हरे भरे खेतों के ठीक ऊपर पे यानी जस्ट बगल पे आप गांव देख सकते हैं, मेरा सुंदर गांव है, काफ़ी अच्छा व्यूज़ आता है। और लोगों के घास भी लगे हुए हैं ताकि जब घास का सीज़न ना हो तब इस घास से गायों को भोजन कराया जाए। और ये भद्रेश्वर महादेव का स्थल, और यहाँ से हम लीलाड़ी वाले स्थल पर जाते हैं। यहाँ से पीछे आजकल भी वहाँ पर बर्फबारी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से तो दिख नहीं रहा है, बट आप लोग वहाँ जाओगे तभी आपको बर्फ़ का भरपूर आनंद लेने को मौका मिलेगा। और ये हमारे राहुल भाई पानी लाते हुए, धारा से ला रहे हो क्या भाई? हाँ भाई। तो चलो दोस्तों वीडियो की ओर। और तुलसी आज माइके जा रही है और हम दोनों बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ भी कुंडा मार देना। खुली थी। सो दोस्तों, नीचे पर पानी खुला था और मैं वो बंद करके अब हम चलते हैं। तो जितने भी दिन माइके रहेगी तो देख लेंगे। तो होली भी पास आ रहा है, इसलिए मम्मी ने बोला माइके छोड़ दो बुआरी को। तो ये है हमारे गांव की सड़क, चलो। तो चलो अब चलते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा व्यूज़ लवानी से इधर का है, और मैं रुक के वीडियो बनाने लग गया हूँ। तो पूरा पीछे का एरिया सफ़ेद दिख रहा है, बट ये हमारा गांव का एरिया काफ़ी अच्छा यहाँ से दिखता है, बट अभी धूप की वजह से नहीं दिख रहा है। और आज एक त्यौहार भी है शायद ना, कौन सा त्यौहार है? फूल दे ही, और हम घर में क्या बोलते हैं, फूल फूल माया। आज आड़ू के फूल, जो आड़ू पे आड़ू लगता है ना, उससे पहले आजकल फूल लगे रहते हैं पीले पीले पिंक टाइप के, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उससे और बुरांस के जो पुष्प है ना, उससे आज का मतलब इम्पोर्टेंट, उन दोनों फूलों से ही लोग घर घर जाकर मतलब लोगों को फूल देते हैं, यानी फूल देई की शुभकामनाएं देते हैं, और लोग अपने घर के दरवाजे से उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे कि क्या देते हैं? चावल, मिठाई, पैसे, जो भी दे सकते हैं छोटे छोटे। अगर आप लोगों के द्वार पर भी कोई छोटे बच्चे फूल दे ही सेलिब्रेशन करने आते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर उन्हें कुछ ना कुछ दें, तभी घर भेजें। तो चलो यहाँ से आगे चलते हैं, और नंदनगर घाट में भी थोड़ा बहुत अगर वीडियो बनाने का मौका मिलेगा अवश्य बनाएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए हमारी लाइफ स्टाइल तुलसी और मेरी डेली लाइफ ब्लॉग को। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम जा रहे हैं नंदनगर घाट, और आज भी कुछ खास काम है, थोड़ा जो शादी का बुकिंग्स था उससे किसी से मिलना था, मुलाकात थी, थोड़ा बुकिंग्स कंफर्म करना था, और तुलसी का भी काम है, थोड़ा बहुत अपना कुछ ख़रीदारी करनी होगी। और तुलसी लगभग कितने दिन बाद जा रही है मार्केट? एक महीना हो चुका है, एक महीने बाद जा रही है। और हमेशा इससे पहले वीडियो में खुद ही मैं एक हाथ से वीडियो बनाता था, एक हाथ से बाइक ट्रेवल करता था। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई मनोज ऐसा मत कर, रिस्क है, खुद बाइक मत चला और खुद ही वीडियो मत बना। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना आप सबकी बात को ध्यान में रखते हुए, अमल करते हुए मैंने वीडियो तुलसी के हाथ में सौंपा और खुद ही बाइक ड्राइविंग कर रहा। तो चलो आप भी हमारे साथ चलते हैं। माइके के लिए मम्मी बोलती है तो ये काफ़ी खुश हो जाती है, और बाइक वही है जो हमेशा रहती है अपाची, और इसी में हम काफ़ी सफ़र करते हैं, काफ़ी भरोसेमंद बाइक है, इसीलिए काफ़ी अच्छा, कभी भी मतलब धोखा नहीं दिया इस बाइक ने रास्ते में, हमेशा मतलब पूरा साथ दिया हमारा। और जो भी मैं काम पे कभी फोटोग्राफी पे भी इस बाइक को ले जाता हूँ तो अच्छा काम और अच्छा साथ देता है। तो चलो अब चलते हैं, चलते क्या, तो हम सुबह से ही रास्ता लगे हुए हैं, थोड़ा लुंत्रा गए, कुछ काम था, और वहाँ
कट्टा रखा एक, उसमें आलू के बीज थे, मम्मी ने ससुर जी के लिए दिया था। और तुलसी अब अपने घर जाके आलू बोएगी, हमारे घर भी काफ़ी बो दिया इन्होंने, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा काम किया है, मम्मी की हेल्प की है तो काफ़ी अच्छा लगा। फाइनली हर काम हो चुका है घाट का, जो भी काम था और जो भी सामग्री लेनी थी घर और ससुराल के लिए वो ले चुके हैं। और काफ़ी अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। तो चलो थोड़ी देर में यहाँ से फिर घर के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर दुकान में थोड़ा टीवी लगी हुई है, उस आवाज़ से ना डबल डबल बफ मार रहा होगा। और वाइफ जी उधर वाले मार्केट में है, मैं इधर थोड़ा कुछ और ले रहा था। तो चलो चलते हैं। पहुंच चुके हैं सिरकोट डीम में, नंदनगर घाट से ऊपर आते वक्त पसीना भी हो गया, काफ़ी गर्मी शुरू हो चुकी है। और अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं नंदनगर घाट, काफ़ी अच्छा व्यूज़ दिखता है। बट चलो सामने से थोड़ा दिखाते हैं। तो दोस्तों पूरा व्यूज आपको दिखा दिया नंदनगर घाट का यहाँ से भी। और यह है तुलसी। तुलसी कैसा फील हुआ घाट घूम के? क्या क्या काम किया अपने पर्सनल, पता है क्या किया, क्या पूछना यार लड़कियों का, तो इनका तो बस। चलो आप चलते हैं यहाँ से, और अब फिर वीडियो बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बाइक ड्राइव करनी पड़ेगी आराम से। तो चलो। सो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं, और आज फूलदेही के पर्व में ना कोई बच्चे भी नहीं आए जिनके साथ फूलदेही का सेलिब्रेशन हो सके। वैसे तो उतना खास भी हमारे इधर नहीं मनाया जाता है, और रुद्रप्रयाग साइड तो बड़ा धूमधाम से फूलदेही यानी फूल माया का पर्व मनाया जाता है। तो चलो अब यहाँ से उधर चलते हैं। और ये सुनसान और वीरान सड़क, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब चिड़िया तक चुनचाहट नहीं हो रहा है, ना कोई साउंड, ना कोई कुछ भी, शांत रोड है। तो हम शांत रोड से गुजर रहे हैं, तो चलो। तो उन्होंने बोला चलो, तो हम भी चलते हैं दोस्तों उनके घर। भात बना दिया होगा तुम्हारे घर वालों ने? भात खाने जाने हैं भाई ससुराल। चलो दोस्तों आप भी चलिए। हाँ नहीं क्या लेंगे, क्रीम रोल भी नहीं लें यार, नहीं लिया अंगूर नहीं लिया। क्या चेंज थी क्रीम रोल? क्या था अंगूर है? क्या खान था? कुरकुला फाइनली दोस्तों एक अच्छा सफर भी आज का रहा, और अच्छा ब्लॉग तो नहीं बना होगा, बना होगा वो तो आपके कमेंट पर निर्भर करता है। और आज से पहले जब भी मैं ससुराल जाता था तो डायरेक्ट यहाँ से लुंद्रा जाता था, मार्केट नहीं जाता था। बट आज वाइफ को पहले मार्केट घुमाया, फिर आया थोड़ा बहुत होटल में खा, कुछ खिलाया पिलाया, मतलब थोड़ा घूमना भी चाहिए ना, शादी हो गया है तो ऐसा तो नहीं कि यार घूमो मत, घूमना भी चाहिए, इंजॉय भी होना चाहिए, और लाइफ को भरपूर
फुल फिल के साथ एंजॉय लेना चाहिए, इधर उधर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार शादी हो गई तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ को फुल एंजॉय लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं वाइफ को बाइक से घाट ले गया, घाट घुमाया, मैं भी घूमा। और मैं तो खैर घूमता रहता हूँ, आप सबको तो पता है हमेशा मनोज का ब्लॉग बस घाट ही का रहता है। आप लोग शायद बोर भी हो चुके होंगे, बट कुछ समय बाद चेंज भी कर देंगे हम अपने टॉपिक को। तो चलो जैसा भी रहा, आपको पसंद आया आई होप कमेंट कर दीजिए, जैसा भी आपको पसंद आया, नहीं आया जो भी आप बुरा भी लिखोगे कमेंट में, मतलब पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि और बेहतर दूं। तो चलो अच्छा ही लगा होगा आई होप। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज मेरे लिए। तो चलो बाय बाय दोस्तों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें अपने कामों में व्यस्त रहें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।